this is globe and this is the model of earth. ये ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है, नमूना है, मतलब पृथ्वी को बाहर से जाके देखना आसान काम नहीं है, तो इसका एक नमूना बनाया जाता है जिस पे सारे कंटिनेंट्स दिखाए जाते हैं और आसानी से समझा जा सकता है कि पृथ्वी पे है क्या क्या। जितनी भी चीज़ें हैं इसके सरफेस पे पाई जाती है, मतलब हम लोग जो हैं इसके सरफेस पे हैं। एक ये बॉल की तरह है जो इधर से थोड़ा चपटा और इधर से थोड़ा चौड़ा है, मतलब अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस पोल के साइड अलग है और इक्वेटर के लिए रेडियस इसका अलग होता है। इसके ऊपर लगभग 480 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जिसमें से 16 किलोमीटर के अंदर ज़्यादातर वायुमंडल ज़्यादा घनत्व में पाए जाते हैं। ये एक नमूना है हमारी पृथ्वी का। हम सब इसके सतह पर हैं। हमने अभी पृथ्वी का एक नमूना देखा। पृथ्वी एक बॉल की तरह है, उसको अगर हम बीच से काटते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा। इसमें जो है इनके कई लेयर हैं, कई लेयर्स में क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन लेयर हैं, जिसमें से मेंटल आउटर लेयर इनर लेयर होता है और कोर आउटर लेयर और इनर लेयर होता है। किताबों में इस तरह से भी दिखाया जाता है कि इस तरह से काटा हुआ है। ये इक्वेटर जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती हैं, सबसे बाहरी परत जो है वो क्रस्ट कहलाता है, उसके अंदर का परत मेंटल और कोर। तो इसकी सतह पे सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पहाड़ बिल्डिंगें इसके ऊपर बनाई जाती हैं सतह पे। इसमें हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसका रेडियस त्रिज्या इक्वेटर पे 6378 किलोमीटर 6378 किलोमीटर है, जबकि पोल पर इसका रेडियस 6356 किलोमीटर है। तो लगभग जो है इसमें 22 किलोमीटर का डिफरेंस है। रेडियस इक्वेटर की तरफ जो रेडियस है और पोल पे जो रेडियस है उसमें लगभग 22 किलोमीटर का फर्क है। ये फर्क क्यों है? जब हमारी पृथ्वी एक पिघले हुए पत्थर की तरह बनी हुई थी तो उस समय ये अपनी धुरी पे जब घूम रही थी तो घूमने के कारण जो जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगने के कारण ये वाला जो है रेडियस ज़्यादा हो गया, जबकि पोल की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, इसलिए इसका रेडियस थोड़ा कम है। ये है हमारे पृथ्वी की रेडियस का फर्क। इक्वेटर के पास अगर हम देखें तो रेडियस 6378 किलोमीटर है, जबकि पोल के पास ये 6356 है। अब हम देखते हैं कि ये इसके जो अलग अलग परतें हैं वो कैसी हैं। सबसे बाहरी परत देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये लगभग उसी रेशियो में है, लगभग है, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे तो लगभग इसी रेशियो में, कि जो ये ग्रीन कलर से बनाए हुए क्रस्ट है और क्रस्ट जो है इसका थिकनेस मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक का होता है। अब जहाँ पे समुद्र तल है वहाँ पे समुद्र के तल से जो है ये क्रस्ट लगभग 5 किलोमीटर का है, और जो पहाड़ी इलाका है और लैंड एरियाज हैं वहाँ पे ये लगभग 70 किलोमीटर तक का थिकनेस का है, मोटाई का है। ये क्रस्ट जो है वो जनरली सिलिकन और एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। तो क्रस्ट जो है वो दो तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। तो जो टेरेस्ट्रियल क्रस्ट है वो लगभग जो टेरेस्ट्रियल क्रस्ट है उसका कंपोजिशन मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। ओशियनिक क्रस्ट मतलब जहाँ समुद्र है उसके तल के नीचे जो क्रस्ट पाया जाता है
वो क्रस्ट का जो कंपोजिशन होता है सिलिकन और मैग्नीशियम, इसलिए उसको सीमा भी कहा जाता है। क्रस्ट 570 किलोमीटर तक का होता है, कंपोजिशन सिलिकन और एल्युमिनियम सियाल कहलाता है, और सिलिकन और मैग्नीशियम सीमा कहलाता है समुद्र तल के क्रस्ट को। क्रस्ट के अंदर का जो भाग होता है परत, उसे मेंटल कहते हैं, और ये मेंटल लगभग 2885 किलोमीटर का है। ये फर्क करता रहता है हर जगह पे, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर बहती है, एग्जैक्ट 2885 किलोमीटर है। ये एवरेज है कि मेंटल का जो परत है वो लगभग 2885 किलोमीटर है। मेंटल जो है जनरली सिलिका और आइस का बना हुआ रहता है, सिलिकन रॉक्स होते हैं और आइस का ये बना हुआ रहता है मेंटल। मेंटल एक आउटर मेंटल और इनर मेंटल होता है। नेक्स्ट मेंटल के अंदर जो आता है ये कोर, बीच का भाग है पृथ्वी का, जो अधिकतर पिघला हुआ पार्ट रहता है। ये पूरा पार्ट जो है पिघला हुआ रहता है, थोड़ा सा आधा मेंटल भी जो है, मेंटल वो मेंटल का वो भाग जो कोर से सटा हुआ है वो भी एक तरल स्थिति में है। इसके ऊपर बाकी का जो है प्रेशर बहुत तगड़ा बनता है, जिसके कारण इसमें गर्मी बनी पड़ी हुई है और गर्मी तगड़ी है। तो कोर के दो भाग हैं, आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पे देखेंगे कोर, आउटर कोर जो है लगभग 2270 किलोमीटर है, मतलब मेंटल से 2270 किलोमीटर के लगभग आउटर कोर होता है, और इनर कोर जो है वो लगभग 1216 किलोमीटर होते हैं। कोर जनरली निकिल और आयरन का बना हुआ है, इसलिए इसको निफे भी कहते हैं। अब इसमें देखें तापमान का, तो जो कोर का तापमान है, कोर का आउटर तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये वाला जो आउटर कोर है लगभग 2270 किलोमीटर का, इसका तापमान 4470 किलोमीटर है, जबकि जो 4470 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि इनर कोर का जो है तापमान 5430 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनर कोर का जो है तापमान वो 5430 डिग्री सेंटीग्रेड का है। मेंटल का जो है तापमान 1000 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब वो मेंटल जो लगभग क्रस्ट के पास है तो इसका तापमान 1000 के लगभग, और जो मेंटल कोर के पास है उसका तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है। क्रस्ट का तापमान 500 डिग्री से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो इसमें क्रस्ट में जो क्रस्ट मेंटल के पास है उसका 1000 डिग्री टेम्परेचर है, और उसके आउटर का जो है लगभग 500 डिग्री टेम्परेचर है। एटमोसफेयर 4800 किलोमीटर का है, मतलब इस सतह से जो है ऊपर बढ़ते जाएंगे अंतरिक्ष की ओर, तो यहाँ से लगभग 480 किलोमीटर वायुमंडल है, एटमोसफेयर जिसे कहते हैं, और इस पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर के अंदर लगभग जो है ज़्यादातर हवा की मात्रा पाई जाती है। एटमॉस्फेयर का ज़्यादा डेंसिटी जो है वो 16 किलोमीटर है, और 16 किलोमीटर पर जैसे ऊपर उठेंगे तो हवा का घनत्व जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता, मतलब डेंसिटी कम पाई जाती है। ये है हमारी एक पृथ्वी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जिसमें एक एक ये समझने वाली बात है कि पृथ्वी अंदर से पूरी तरह से सॉलिड है, और इसमें बाहर जो है कि उसकी सतह पे हम मनुष्य और बाकी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और पृथ्वी का जो कोर है एकदम आंतरिक, और ये लोहे और निकिल की पूरी तरल स्थिति में है, और इसी के ही घूमने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है।